थेट आपण जाऊयात. नवनीत राणा मुंबईमध्ये पोहोचलेले आहेत. कालच त्यांनी भाजपमध्ये अधिकृतरित्या प्रवेश केलेला आहे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे त्यावेळेला उपस्थित होते आपल्याला माहिती आहे. आणि देवेंद्र फडणवीसांची त्या आज भेट घेणार आहेत असं समजतंय. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या मुंबईमध्ये नवनीत राणा पोहोचलेले आहेत त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी. भारतीय जनता पार्टीने आपको उमेदवार बनाया है. पिछली बार तो आपने दिल्ली जीती थी, इस बार भाजपा ने उमेदवार बनाया. पहली प्रक्रिया आपकी उमेदवारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी. मुझे लगता है मैंने पिछले 5 वर्षों से एज ए NDA की एक घटक करके हमीद शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुड़े साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है उनके ही विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ. और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है. और नेताओं ने कल फैसला करके मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद किया. क्योंकि अमरावती करों की आँखों में मैंने बहुत दिनों से, बहुत समय से देख रही हूँ कि उनकी इच्छाएं, क्योंकि जब से लोकसभा शुरू हुई है तब से आज तक कभी भी कमल अमरावती ज़िले में बैलेट पे नहीं आया है. तो उनकी इच्छा हमेशा से थी कि देश के साथ जब देश की एक उम्मीद चलती है तो अमरावती में भी वही सिंबल आए. मुझे लगता है अमरावती करों की तरफ से मैंने मोदी जी का कल बहुत बहुत धन्यवाद किया. कल रात में अर्जेंट में पहले सीट डिक्लेयर होती है और फिर जाके प्रवेश करते हैं. और आज मैं देवेंद्र जी को मिलने आई हूँ, दादा को अमन, फिर यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगी. स्थानीय स्तर पर जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है, वो नाराज है आपको टिकट मिल गया उनके नहीं या उनके. मुझे लगता है रवि जी भी एक NDA के घटक करके 2014 से देवेंद्र जी के साथ थे. ऑपोजिशन में जब आई सरकार तब भी रवि जी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे. तो हम ऐसे घटक हैं कि समय आया तो साथ रहो और समय खराब है तो छोड़ दो, ऐसे घटकों में से हम नहीं हैं. पर फिर भी मैंने सभी को विनंती की, क्योंकि सभी हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मैंने एक उम्मीदवार करके और एक बहुत जूनियर उम्मीदवार करके मैंने सभी को हाथ जोड़ के विनंती भी की कि मोदी जी के जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी NDA के घटक हैं वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें. अमरावती में दो नारे गूंज रहे हैं, एक ये गूंज रहा है कि एक बार दिल से नवनीत राणा फिर से, और दूसरा भी नारा ये भी गूंज रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नवनीत राणा की खैर नहीं. मुझे लगता है जब तक मतदार नहीं ठहराते क्या करना है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से नहीं 12-13 वर्षों से मैं जनता के बीच हूँ और जनता के लिए काम कर रही हूँ. तो मुझे लगता है एक बहू के नाते भी और उस क्षेत्र में कंटिन्यू लोगों के बीच लोगों की सेवा करते हुए, लोगों ने खुद मुझे आशीर्वाद दिया जब 2019 में एक सुनामी चल रही थी, उसके बीच मुझे आशीर्वाद दिया गया अमरावती में. और आज एक सिंबल के साथ अमरावती में उतरूंगी. तो मुझे लगता है ये अमरावती करों की ही इच्छा थी जो मेरे रूप में अमरावती में आई है. तो मेरी जनता मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मेरे साथ रखेगी. लेकिन आनंदराव अडसूल और बच्चूगढ़ से बात हुई है क्या? क्या उन्होंने कुछ आपसे बात की है इस पूरे? मैंने आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है, बहुत सीनियर है मुझसे जितने भी NDA के गट और जो भी नेता हैं, कि सभी ने एक होकर मोदी जी का जो सपना है देश के विकास के लिए और अमरावती के विकास के लिए, सबने एक मंच पर आकर साथ देना चाहिए और अमरावती का विकास करना. लेकिन मराठी में उनसे कोई बात नहीं हुई है क्या? उनका उनकी जो भावना है उनसे आप मतलब आप जैसे सुने हैं वैसे मैं भी सुन रही हूँ मीडिया के माध्यम से. पर हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पर मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें. तो NDA के उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, टफ होने वाला है. आप उतर रही हैं, कितना चुनौती है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना वोटों से जीतेंगे? वोट तो मेरे मतदाता ठहराएंगे. मैंने काम किया है, मैं काम लेके मेरे लोगों के बीच में जाऊंगी. और एक बहू के नाते भी और कंटिन्यू क्षेत्र में लोगों की सेवा की है मैंने, तो लोगों का आशीर्वाद और प्रेम मेरे साथ हमेशा रहेगा. एक लास्ट क्वेश्चन, एक मामला आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कोर्ट में लंबित है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आए, क्या वो सेटबैक हो सकता है आपके लिए? उसके लिए आप तैयार हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, नारी के साथ संघर्ष है ये, हमने जन्म से पहले ही हम संघर्ष लेके आते हैं. और वो संघर्ष में करते करते 12-13 वर्ष इस क्षेत्र में मैंने पूरा किया है और आगे भी संघर्ष की हमेशा तैयारी रखती हूँ, आखिरी सांस तक
नारी को संघर्ष रहता है और संघर्ष हमेशा के लिए तैयार रहती है और उसको सामना करते हैं। नवनीत जी मराठी मध्ये तुम्ही आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतात, उमेदवारी जाहीर झालेली, काय सांगाल? मला वाटते देवेंद्र फडणवीस जी आमचे आदरणीय आमचे नेते आहे आणि नेहमी त्यांनी 2019 असो त्याचे आधी रवीजी त्यांच्यासोबत 2014 एक घटक म्हणून त्यांच्यासोबत काम केलेलं आहे आणि असं नाही आहे की जेव्हा ऑपोजिशनमध्ये होते तर रवीजी आणि आम्ही सोडून त्यांना बाहेर पडलो, नाही, ऑपोजिशनमध्ये बसलो, संघर्ष केला, मैदान सोडलं नाही, त्यांची साथ सोडली नाही राज्यामध्येही आणि केंद्रामध्येही। तर मला वाटते की दादांनी जे ठरवलं आमचे त्याप्रमाणे आम्ही काम करत आणि